नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 17 वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद भी नियमित नहीं करने पर नगर निगम के संविदा कर्मचारियों ने नगर निगम में दिया धरना। आगरा नगर निगम में 623 संविदा सफाई कर्मचारी तैनात है, जो रोजाना सफाई का कार्य करके शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन इनकी सेवा के 17 साल पूरे होने के बाद भी नियमित नहीं करने से आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर निगम में धरना दिया और ज्ञापन भी अपर नगर आयुक्त को दिया। कर्मचारियों ने ज्ञापन में संविदा कर्मचारियों के नियमित करने की मांग सरकार से की। वहीं कर्मचारी नेता श्याम कुमार कवरेश ने कहा, अगर निगम अधिकारी और सरकार उनकी मांग नहीं मानते हैं तो उन्हें मजबूरन काम बंद जैसा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारी नेता श्याम कुमार कवरेश ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। कर्मचारी नेता कवरेश ने पार्षदों द्वारा कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर चेक करने पर कहा कि उन्हें कर्मचारियों की हाजिरी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह भ्रष्टाचार देखना चाहते हैं तो उनके पास आए, अगर उनके द्वारा कर्मचारियों को परेशान किया गया तो उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में कर्मचारी नेता श्याम कुमार कवरेश, वाल्मीकि समाज के नेता झिल्लो राम वाल्मीकि, वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष बल्लू प्रसाद, सतीश डागोर, राकेश साहू, बसंतलाल पाथरे सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने नगर निगम में जोरदार नारेबाजी भी की। आगरा से न्यूज 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। का सिद्धांत है, नीतिगत सिद्धांत है कि समान काम का समान वेतन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही नीतिगत सिद्धांत है कि एक वर्ष में 240 दिन 3 वर्ष निर्बाध जिनकी सेवाएं हों वो अपने आप को नियमित माने, तो उसी के आधार पर हम ये माननीय मांग पत्र जो है दिया है मुख्यमंत्री जी को। हम अपनी मांगें लड़के लेंगे। उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि यदि वो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं नगर निगम से और वो जो है उन जो भ्रष्ट लोग हैं उनको सबक सिखाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ आएं, हमारी समस्याओं को सुने। पब्लिक हेल्थ मैनुअल के आधार पर जो है आगरा की जन्म जो है संख्या जो है 25 लाख आबादी है तो हमें 443 कर्मचारी और चाहिए। जब तक 4300 कर्मचारी नहीं होंगे जनता की अपेक्षा के अनुसार नहीं। और मैं जहाँ तक सवाल आरोप है, आरोप नहीं है ये, हम जो सफाई कर्मचारियों का जो मांग पत्र दे रहे हैं और इसीलिए स्थायी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं कि पार्षद गणों को जो है नगर निगम अधिनियम के आधार पर उनको हमारे रजिस्टर को चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम काम करेंगे या नहीं करेंगे ये नगराय देखेंगे और प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे। और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का जो है प्रांतीय महासचिव हूँ। आज हमने आपकी जानकारी में दे दें कि 2006 में 10 जुलाई को संविदा सफाई कर्मचारियों की अल्प वेतन पर मात्र 2130 रुपये पर नियुक्ति हुई थी और इनको निरंतर काम करते हुए 10 जुलाई को इनको पूरा जो है 17 वर्ष हो गए। आज 11 जुलाई है और जो है 18वीं वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमने माननीय जो महापौर जी के नाम हमने जो है उनको नगर आयुक्त महोदय को माध्यम बना के प्रदेश के मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को जो ये ज्ञापन दिया है कि हमारा अति शीघ्र संविदा सफाई कर्मचारियों का विनियमितकरण कर दिया जाए। हमें तो इंटाइटल नहीं है, उनका अधिकारी का ये कहना है कि ये मुख्यमंत्री के नाम पे जो है संबोधित मांग पत्र है, हम भी स्वीकार करते हैं। क्या कुछ मांग पत्र है इस पत्र में? इस मांग पत्र में हम तो ये देंगे या नहीं देंगे, देखिए मेरी बात सुनिए, ये दे रहे होते इनके मन में ही दया धर्म होती। हमारी एक ही मांग है आज के दिन कि संविदा सफाई कर्मचारियों का विनियमितकरण कर दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च रियासत के झंडोल राम बांधनी की क्या कुछ कहना चाहेंगे किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? अब इनके साथ तो मैं समझता हूँ कि बांधनी समाज सफाई कर्मचारी सदियों से जुल्म हो रहा है,
अब अभी कर्णे जी ने आपको बताया था कि 18 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी मतलब ना तो शासन भी इस पर विचार कर रहा गंभीरता से कि मतलब जो कोरोना काल में मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में जितना महत्वपूर्ण कार्य सफाई कर्मचारी ने किया है मतलब उतना डॉक्टर भी नहीं कर पाए। वो अपना पूरा का पूरा पैकअप होकर के भी मतलब अंदर रहते थे और ये खुले में रह कर देह संस्कार भी करते थे और बहुत मतलब कठिन कार्य किया जो सीमा पर सेना करती है उससे भी महत्वपूर्ण काम सफाई कर्मचारी करता है। तो सरकार को गंभीर रहना चाहिए और जिस तरह के जो ज्ञापन जाते हैं उस पर तुरंत अमल होना चाहिए। और ये लोग मजबूर होंगे फिर ये हड़तालें होंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो उसमें निर्णय करेगा। जी पहली बात ये कि जैसे कि चोट वगैरह एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई मजदूरी नहीं मिलता है। दूसरी बात ये कि जब जब ना करूँगे ना तो कोई फंड करा ना बीमा कटा और ना हम स्थायी करण होगी। जिस तरीके से आज 18 वर्ष पूरे हुए हैं हमारी मांग है परमानेंट की। 18 वर्ष हो गई हमें यहाँ पर काम करते हुए और अभी तक परमानेंट नहीं किया जा रहा है। प्रश्न ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हों की ब्याह शादी कहाँ से करेंगे, पढ़ने लिखने के लिए परेशानी होती है हैं और तनख्वाह टाइम से होती नहीं है, इतनी महंगाई है और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ये उनकी नीयत ये है, मानसिकता ये उद्देश्य ये कि हम 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करके आए हैं उस नींबू को निचोड़ लें, इस मौसमी को निचोड़ लें सफाई कर्मचारी को, तो हमारे रहते हुए संभव नहीं, हमारे रहते हुए संभव नहीं है। और तो और वो उकसा रहे हमें सफाई काम बंद हड़ताल कराने के लिए, ना तो हमारा परमानेंट सुपरवाइजर सुखी है, ना हमारा सफाई कर्मचारी सुखी है, ना हमारा कार्यालय का कर्मचारी सुखी है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 12 साल से लगातार मांगने के बाद भी स्थायी कर्मचारियों का ACP का भुगतान नहीं हो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।